गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द एविएशन करियर माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मनजीत रॉय एंड इन दिस वीडियो आई एम डिस्कस अबाउट एयर इंडिया लिमिटेड। एक्चुअली आई एम कंपाइल द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एयर इंडिया लिमिटेड। दोज गाइज रियली पैशनेट टू वर्क विथ एयर इंडिया लिमिटेड एंड एविएशन इंडस्ट्री। दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको एयर इंडिया कब स्टार्ट हुआ, देन एयर इंडिया जब स्टार्ट हुआ इनके फाउंडर एंड चेयरपर्सन कौन थे, देन जब एयर इंडिया स्टार्ट हुआ तो वो किस नाम से स्टार्ट किया गया था, देन इनके जो बाद में कब से कब तक वो नाम रहा, इनका एयर इंडिया जो नाम आया कहाँ से आया कब आया वो बताने वाला हूँ मैं आपको। देन करेंटली एयर इंडिया का जो आपको कितने एयर बसेस हैं, कितने फ्लीट साइज है, इनकी कंपनी स्लोगन क्या है, इनके करेंटली चेयरपर्सन जो MD है वो कौन है, कितने एम्प्लॉयज में वर्क कर रहे हैं, अभी कौन सा फ्लीट साइज यूज करते हैं, कितने डेस्टिनेशन इनके हैं इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिक, एंड कितने एयर बसेस हैं अभी इनके पास। तो मैं इस वीडियो में आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ एयर इंडिया के रिगार्डिंग। कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इंडिया इट इज़ फाउंडेड ऑन 1932 बाई JRD टाटा, जमशेदजी टाटा। ये 1932 में स्टार्ट किया गया था, इनको स्टार्ट किया था जमशेदजी टाटा ने, ठीक है। तभी जिस टाइम स्टार्ट हुआ था एयर इंडिया, इसका नाम था टाटा एयरलाइंस सर्विस। उस टाइम ये टाटा एयरलाइंस सर्विस इसके नाम से जाना जाता था। जमशेदजी टाटा टाटा ग्रुप के MD एंड चेयरपर्सन है, उनको कौन नहीं जानता है, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये 1932 में स्टार्ट हुआ था, 15 अक्टूबर 1932 से लेकर के आपको 1945 तक ये टाटा एयरलाइन सर्विसेज के नाम से ही जाना जाता था। आफ्टर देन 29 अक्टूबर 1946 को, मतलब 47 में ये अपना जो इंडिया इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं, इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस एक साल पहले 1946 में, उस टाइम में ये इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया था 29 अक्टूबर 1946 को। बट इंडिया गवर्नमेंट ये नाम रख दिया गया था एयर इंडिया लिमिटेड, बट जो उनका उस टाइम से भी 1932 से लेकर के 1977 तक इनके चेयरपर्सन जमशेदजी टाटा ही थे, ठीक है। देन बात करेंगे अभी जो करेंटली इनका चेयरपर्सन है, उनका नाम है चेयरमैन का अश्विनी लोहानी, ठीक है। एयर इंडिया का हेड क्वार्टर आपको देश की राजधानी जो कैपिटल अपना है दिल्ली में है। देन इनके पास जो एयर इंडिया के लिमिटेड के कुछ जो कुछ सब ग्रुप एयरलाइंस हैं, जैसे कि स्टार एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड एलायंस एयर, ठीक है। एंड रिसेंटली स्टार एयर बोल के भी एक इनके सब ग्रुप में आए हैं, स्टार एयरलाइंस बोल के भी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, तो इनके सारे सब ग्रुप हैं। अभी एयर इंडिया के पास में करेंटली टोटल 136 फ्लीट साइज एयर बसेस अवेलेबल है, ठीक है। इसमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बसेस हैं, मैं कौन से बसेस हैं और कितने कितने हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। देन टोटल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली टोटल डेस्टिनेशन 122 है अभी इंडिया के पास में, मतलब 122 डेस्टिनेशन पे फ्लाई करती है एयर इंडिया इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिक दोनों ऐड करके। कंपनी स्लोगन है एयर इंडिया ट्रूली इंडियन। देन जो इनका ऑफिस आपको बताया था, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको हैंडल करते हैं। देन इनके पास अभी टोटल रेवेन्यू 239 है, देन 239 बिलियन, ऑपरेटिंग इनकम 2.98 बिलियन है, नेट इनकम -53.48 बिलियन है। अभी इंडिया थोड़ा लॉस में जा रहा है इसलिए इनका जो नेट बिलियन इनकम है वो माइनस में दिखा रहे हैं। देन टोटल एसेट्स 510 बिलियन है। अभी करेंटली एयर इंडिया के अंदर आपको
23,000 प्लस एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। देन इनका जो वेबसाइट है www.airindia.co.in, आप वहाँ पर जाके आप टिकट बुक कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए देख सकते हैं एयर इंडिया के बारे में। इनका जो हब्स हैं इंडिया में, एक्चुअली तो ऑल ओवर इंडिया में एवरी स्टेट में है ये फ्लाई करते हैं, इनका डेस्टिनेशन एवरी स्टेट में है। बट जो इनके मेन हब्स हैं, पहला जो प्राइमरी हब है IGT इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जो कि देश की राजधानी में है। एंड सेकेंडरी हब्स है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई एयरपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी हब्स कहाँ पे हैं, सेकेंडरी हब्स कहाँ पे हैं, आपको ध्यान रखना है। देन अभी जो करेंटली इनके पास जो एयर बसेस हैं, कौन से बसेस हैं, कितने हैं, मैं उनका मोटा बताता हूँ और नंबर ऑफ बताता हूँ कितने हैं इनके पास। बात करेंगे A319/100 टोटल 22 अवेलेबल है, A320/209 अवेलेबल है, A320neo 27 अवेलेबल है, A321/220 अवेलेबल है, देन बोइंग 747-400 आपका 4 अवेलेबल है, देन बोइंग 777 एंड आपका 200 ये टोटल 3 अवेलेबल है। बोइंग 777 एंड आपका /300ER ये 15 अवेलेबल है, देन बोइंग 787 एंड /800 27 अवेलेबल है। टोटल कम्युलेटिव 136 एवेसेस अभी इनके पास में अवेलेबल है। अभी एयर इंडिया तो लॉसेस में जा रहे हैं, इसके लिए अभी ये न्यू जो एयर बसेस है उनका ऑर्डर भी नहीं दे पा रहे हैं, और जो है वही उनका 136 है उस एयर बस को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन ये लोग यूज कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे एयर इंडिया लिमिटेड की तरफ से, ठीक है। आप डेस्टिनेशन टोटल 122 है, बहुत लंबा डेस्टिनेशन है, तो एक डेस्टिनेशन का नाम आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं एयर इंडिया के साइट पे। हालांकि उससे उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर दिया उस वीडियो में, इसी वजह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एयर इंडिया कब स्टार्ट हुआ, तो इनके चेयरपर्सन कौन थे, अभी इनके चेयरपर्सन कौन है, इनका नेट इनकम क्या है, रेवेन्यू कितना है, इनके फर्स्ट फ्लीट साइज कितने हैं, कौन से हैं, एयर बसेस जो है कितने हैं, देन कितने डेस्टिनेशन है, डोमेस्टिक में कितने डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनली कितने डेस्टिनेशन है। इनके पास डोमेस्टिक में आपको अप्रॉक्सीमेट आपको 70 डेस्टिनेशन है, और बाकी के जितने भी 50 डेस्टिनेशन आई थिंक सॉरी 72 डेस्टिनेशन डोमेस्टिक में एंड 50 डेस्टिनेशन आई थिंक आपको इंटरनेशनली है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन आपको जितने भी मैंने जानकारी आपको बताया है, ये पूरा जानकारी आपको कंपाइल करके और रेडी करके आप शायद नोट भी बना सकते हैं, जो कि नोट बना लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप एयर इंडिया एनी कोई भी इंटरव्यू जा रहे हैं कोई पोजीशंस के लिए, तो आपको इसमें से क्वेश्चन लिस्टेड किया जाएगा, पूछा जाएगा, आपका इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थे, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, यानी कोई भी जानकारी आपको चाहिए एयर इंडिया या फिर कोई भी एयरलाइन से जुड़ी, एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कमेंट करके बताइए, मैं उस वीडियो बनाकर आपको दूंगा। अदरवाइज मेरा ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी पे भी आप मुझे मेल दे सकते हैं, ईमेल आईडी है imanjitroy1101@gmail.com एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम आईडी @manjitroy1101 उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, बिकॉज आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और आपसे कोई भी जॉब अपडेट या कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ मेरे दिए जानकारी से आपको बहुत ही
फ़ायदा पहुंचेगा, बहुत ही आपको एडवांटेज मिलेगा। और आप कोई भी इंटरव्यू देने के जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, इंडिया का, तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन आपको इंटरव्यू पूछते हैं तो आप इजीली बता पाएंगे, तो जानकारी मैं आपको दिया हूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक।